राणे, हम लांजी से हैं, लांजी कहाँ से विधानसभा। आए आप? हम लोग बीजेपी कार्यालय इसलिए आए हैं कि अभी पार्टी के द्वारा 39 प्रत्याशियों की सूची जो घोषित की गई, उसमें लांजी में राजकुमार कर्रा है, जो आम आदमी पार्टी का व्यक्ति था, उसको पार्टी ने टिकट दिया है। और ऐसी स्थिति में हम लोग अपनी बात पार्टी के विभिन्न मंचों पर पूर्व में भी रख चुके हैं, और आज भी हम लोगों ने ये तय किया कि हम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, और इसलिए हम पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आकर के अपनी बात रखने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा मकसद यहाँ के बाद में हम लोग वैष्णो देवी माता के दर्शन करने जा रहे हैं, और इसलिए जा रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, और माता के दरबार में हम जाकर के कहीं ना कहीं माँ से यही मन्नत मांगने जा रहे हैं कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसको कहीं ना कहीं माँ ठीक करे। नहीं नहीं सर्वे करके कोई टिकट नहीं दिया गया। कार्यकर्ताओं को पहले क्या हुआ करता था, रायशुमारी ली जाती थी, बंद कमरे में 1-to-1 चर्चा होती थी, लेकिन इस प्रकार किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया गया और सीधे टिकट की घोषणा कर दी गई। वर्तमान में राजकुमार कर्रा को टिकट प्रदान की गई है, वो जिस दिन उनको टिकट वितरण किया गया 17 तारीख को, उस दिन भी वो व्यक्ति आम आदमी पार्टी का सदस्य था। हम चाहते हैं कि पूर्व विधायक रमेश भटेरी जी, जो जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं दो बार, एक बार विधायक रह चुके हैं 2008 में, और उसके बाद में 2013 और 18 में हमको पराजय मिली, लेकिन पराजय के बावजूद भी हमारा वोट आप परसेंटेज कम नहीं हुआ। हम लोग जीते तब 42,000 वोट से लिए थे, उसके बाद 2013 में 48,000 वोट लिए थे, और 2018 में जाकर के हम लोगों ने 72,000 वोट लिए थे। आगे हम लोगों का एक्शन यही है कि हम लोग अंतिम क्षण तक प्रयास करेंगे कि हम अपनी पार्टी के सामने अपनी बात रखें और पार्टी कहीं ना कहीं हमारी बातों को सुने। लेकिन यदि इसके बावजूद भी हमारा, यदि पार्टी के मंच पर हमारी बातों को नहीं सुना गया, तो उन परिस्थितियों में तमाम सारे 294 बूथ के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री, बीएलए और पेज प्रमुख, पन्ना प्रमुख से लेकर के मंडल कार्यकारिणी के सारे पदाधिकारी, स्थायी आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और तमाम कार्यकर्ता सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर के इस टिकट वितरण का विरोध करेंगे। यही हमारी अंतिम रहेगी।